हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम जानने वाले हैं कि बिग बास्केट की तरह से अगर आप वेबसाइट बनाओ तो क्या ये पॉसिबल है, या फिर क्या बनवा सकते हैं या बना सकते हैं। जी हाँ, इस तरह की बिग बास्केट की टाइप की वेबसाइट बनाई जा सकती है, बिल्कुल। तब हम इसी चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो बिग बास्केट वैसे अगर आप देखेंगे तो ये तो बिग बास्केट है सिंगल वेंडर में है, बट मैं आपको ये बताऊंगा, आप अगर मल्टी वेंडर भी बनवाना चाहते हैं लुक लाइक बिग बास्केट की तरह से, तो आप मल्टी वेंडर में भी बना सकते हैं। और जहाँ तक रही बात किसकी टेक्नोलॉजी की, कि टेक्नोलॉजी अगर आप वर्डप्रेस में भी बिग बास्केट की तरह से बनवाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो भी पॉसिबिलिटी है, आप वर्डप्रेस में भी बिग बास्केट की तरह से बनवा सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक है। इसी के बारे में आज मैं गाइड करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे जिस तरह ये देख रहे हैं, ये वर्डप्रेस के में बने हुए हैं बिग बास्केट ही की तरह से है। सेम एज इट इज नहीं है, देखिए सेम एज इट इज कोई भी कॉपी नहीं करेगा, क्योंकि वो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्लेम कर देता है, क्लेम कर देंगे साइट ओनर। तो इसलिए कि ये लुक लाइक है, सेम एज नहीं, लुक लाइक है, ठीक है। तो खैर, आज जो हम बात करने वाले हैं वो टॉप बास्केट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। ये टॉप बास्केट, ये लुक लाइक बिग बास्केट ही की तरह से है। इसके अंदर आपको सिंगल वेंडर मल्टी वेंडर दोनों चीज आपको मिलने वाला है। और एक बात इसके अंदर है कि एक इसमें क्या वेबसाइट से चाहे ऑर्डर करें या फिर आप मोबाइल ऐप से ऑर्डर करें, इसका ऑर्डर करने का प्रोसेस किस हिसाब से रहेगा, क्या और क्लाइंट किस हिसाब से रहेगा, ये आपका टॉप टॉप स्टोर से, यानी जो आप स्टोर इसमें ऐड करना चाहेंगे वो स्टोर्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप एक साथ मल्टीपल स्टोर्स के लिए भी ऑर्डर करना चाहेंगे, मल्टीपल स्टोर्स के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे कि अभी मैंने एक कुछ स्टोर के ऑर्डर मैंने एक्सेप्ट करे हैं, फिर मैं दूसरे स्टोर पर ले लेता हूँ, तो एक साथ आप मल्टीपल स्टोर में भी ऑर्डर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, यानी मल्टीपल स्टोर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उन सारे प्रोडक्ट्स का ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक। ये आपका इस तरह से चेकआउट का फॉर्म आएगा। इसमें दो ऑप्शंस हैं, एक एट होम, दूसरा क्या है कि सेल्फ पिकअप। अगर आप खुद से पिकअप करना चाहते हैं तो भी पॉसिबिलिटी है। इसके बाद आपका डिलीवरी एड्रेस रहेगा, यहाँ पे आप कौन से एड्रेस पे लेना चाह रहे हैं, तो जो भी एड्रेस पे लेना चाह रहे हैं उस पे आप टिक कीजिए, और फिर पेमेंट का ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, चाहे कैश ऑन डिलीवरी का हो या फिर रोजर पे पेमेंट गेटवे के साथ हो। फिर इस तरीके से आपका ये ऑर्डर आपका आ जाएगा, ये ऑर्डर की डिटेल्स रहेंगी, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्डर ऑर्डर डिटेल रहेगी, फिर आप उस ऑर्डर को अपना ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद आपका स्टोर पैनल पे ऑर्डर जाएगा, स्टोर पैनल अपना ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा, फिर डिलीवरी बॉय वो ऑर्डर जो है आप तक पहुंचा देगा, ठीक है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, इन्हीं पर अगर आप इन प्रोसेस को देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो आइए हम देखते हैं वन बाय वन करके। आपने जान लिया कि इस लंबे लॉकडाउन के बाद किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन लाना कितना इम्पोर्टेंट है। ई कॉमर्स हो, चाहे किराना का हो या ग्रोसरी स्टोर का हो, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग का हो, ऑनलाइन क्लॉथिंग का हो, सिंगल वेंडर हो, मल्टी वेंडर हो, किसी भी टाइप में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और उसको अगर आप ऑनलाइन नहीं लाए हैं या ऑनलाइन आपने किया नहीं है, अगर आपकी सोच है कि आप बिजनेस को ऑनलाइन लेके आए, तो इसके लिए कैपिटल टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्त ऑफर दे रहा है कि आपको यहाँ पे हर चीज अवेलेबल है। चाहे आप वेबसाइट बनाना चाहें, चाहे आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहें, चाहे आपको ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बनाना हो या सर्विसेज का प्लेटफॉर्म बनाना हो, सिर्फ यही नहीं, बिजनेस को सेटअप करने के बाद, ऑनलाइन लाने के बाद उसका प्रमोशन करना, इसके लिए कैपिटल टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्त ऑफर दे रहा है कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सारी चीजें ए टू जेड अवेलेबल है, ठीक। अब बिजनेस सेटअप करने से लेकर प्रमोशन करने तक फिर देर किस बात की, आज ही बुक कीजिए और पहले आइए, पहले पाइए का हिस्सा बनिए। सबसे पहले हम चलते हैं इसमें हम आज देखेंगे कि मोबाइल ऐप किस तरीके से काम करता है, वेबसाइट किस तरीके से काम करता है, तो आपने देख लिया। इसका एडमिन पैनल के क्या क्या फीचर्स हैं, इन सारे चीजों के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले कि मैं देखना रिव्यू से पहले मैं ये जानना बताना चाहूंगा कि किस तरीके से आप या इसके फीचर्स क्या क्या अवेलेबल है,
ठीक है, उन चीजों के बारे में बात कर लेता हूँ। तो इसमें क्या मैं थोड़े से फीचर्स के बारे में आपको बात करूंगा, इसके बहुत सारे जो अहम अहम फीचर्स हैं उन सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। खैर ये देखिए, ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट आपका आयोनिक 5 पे है। इसके अंदर आपको एंड्रॉयड भी मिलेगा और iOS ऐप भी मिलेगा, साथ साथ आपको वेबसाइट भी मिलेगा। आप अगर चाहते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ एंड्रॉयड चाहिए, iOS नहीं चाहिए, तो आपकी इच्छा है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो इनबिल्ड है कई सारी चीज़ें हैं, ये आपका ग्रॉसरी में डिलीवरी सर्विस भी है, ई कॉमर्स के मल्टीपल वेंडर्स भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा क्या एंड्रॉयड का है, iOS का है, वेबसाइट है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये सब आयोनिक 5 पे है। इसका जहाँ तक एडमिन पैनल की बात है, तो एडमिन पैनल का आपका PHP कोऑर्डिनेटर पे है, ठीक है। तो अब इसके जो फंक्शन है, वो फंक्शन अब हम देखते हैं कुछ फंक्शन के क्या क्या फंक्शन क्या इसमें जो मेन है और अहम है। इसके अंदर फंक्शन का जो मेन चीज़ है वो के 4 मेन ऐप्स है, आपको 4 ऐप इसके अंदर दिया हुआ है, या तो आप इसमें 3 ऐप भी ले सकते हैं, 4 ऐप भी ले सकते हैं, या आपकी इच्छा है। लेकिन इसमें प्रोवाइड आपको 3 ऐप ही होता है, एक यूजर का, एक स्टोर का, एक डिलीवरी बॉय का। एडमिन पैनल की ये PWA का सपोर्टेड है, तो PWA सपोर्टेड होने की वजह से यानी ये आपको वेब पैनल मिलेगा, इस वजह से इसको इंक्लूड करके 4 ऐप बताया जाता है, ठीक है। कि वो ये एडमिन पैनल PWA के प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन पे है, यानी अगर आप चाहें तो उसको ऐप की शक्ल में भी यूज कर सकते हैं और चाहें तो वेब की शक्ल में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन यही है कि आप इसका वेब पैनल यूज करें। मैं आपको दिखाऊंगा जो वेब पैनल इसका किस तरीके से काम करता है। इसका अंदर मल्टी स्टोर सपोर्टेड है, जैसे मैंने आपको दिखाया, मल्टी लैंग्वेजेस सपोर्टेड है, इसका अंदर मल्टी करेंसी सपोर्टेड है, यानी अगर आप आउट ऑफ इंडियन हैं या उसमें अरबिक की रिक्वायरमेंट होती है, फ्रेंच की रिक्वायरमेंट होती है, या रशियन की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ें इसमें सपोर्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद RTL का ये जो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड जो लैंग्वेजेस होती हैं वो दोनों के इसमें सपोर्ट करेगा, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो इंक्लूड है वो एंड्रॉयड iOS ऐप एंड वेबसाइट्स इंक्लूड है। मल्टीपल पेमेंट गेटवे है, जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर मल्टीपल पेमेंट गेटवे है। आप इंडिया में हैं तो इंडिया में रोजर पे ठीक है, इसका बाहर स्ट्राइप पेपाल वगैरह ये आप इसमें लगा सकते हैं। इस तरह से यूनिक एंड एट्रैक्टिव यूआई है, इसके अंदर यूआई जो मल्टीपल है आपका यूआई मिलेगा, ये जो कि यूआई का अगर आप थोड़ा बहुत चेंज करना चाह रहे हैं इस यूआई को अपने अकॉर्डिंग, ये 100% रिस्पॉन्सिव भी है। आप देखें कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन है, 100% आपका रिस्पॉन्सिव मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से यूआई अगर आप थोड़ा बहुत चेंज करना चाह रहे हैं, कलर्स वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं, सब पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा एड्रेस फ्रॉम जियो लोकेशन, ये जियो लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एड्रेस मिलेगा। नोटिफिकेशन का ऑप्शंस अवेलेबल है, मेल ऑथेंटिकेशन का, मेल वेरिफिकेशन का, ये चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। मोबाइल ऑथेंटिकेशन की चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको टू यू का SMS इसमें लगेगा। इसके साथ लाइव ट्रैकिंग का ऑप्शन है, पुश नोटिफिकेशन विद कस्टम का अलर्ट, आप अपने कस्टमर्स को अपना नोटिफिकेशन भी भेज सकते हैं। इसके अलावा प्रिंट ऑर्डर फॉर यूज़र, आप अपने जो ऑर्डर्स हैं उसका बिल भी निकाल सकते हैं, इनवॉइस निकाल सकते हैं। एडमिन इनवॉइस जनरेटेड, एडमिन जो जनरेटेड करेगा। इससे स्टोर रिव्यू, आपका ये स्टोर जो है रिव्यू करेगा, ठीक है। उसका प्रोडक्ट रिव्यू, इसका प्रोडक्ट का अंदर रिव्यू होगा, फिर ड्राइवर रिव्यू, ये तीनों रिव्यू इसमें अवेलेबल हैं, स्टोर रिव्यू भी, प्रोडक्ट रिव्यू भी, और साथ साथ ड्राइवर रिव्यू भी। तो ये कुछ चीज़ें थे जो मेन फीचर्स है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं कि अगर का इनका जो ऐप है वो ऐप के लुक किस तरीके से दिखेगा, मोबाइल ऐप का लुक किस हिसाब से रहेगा नहीं रहेगा, ये तो मैंने अभी तक आपसे जो बात की है वो आप यू समझ लीजिए कि ये आपका जो मेन फीचर्स हैं, सिर्फ मेन फीचर्स से मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं कि मोबाइल की तरफ, और मोबाइल में देखते हैं कि इसका जो फीचर्स हैं वो फीचर्स किस किस तरीके से रहेगा मोबाइल में, और मोबाइल का जो ऐप का लुक है वो किस तरीके से रहेगा, किस हिसाब से वो मोबाइल का लुक काम करेगा, इसके अंदर का कैसे किस हिसाब से काम करेगा, और वो कैसे मैनेज करेंगे आपके मोबाइल को और वेबसाइट को, दोनों एक साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए बड़ा इजी है कि आप दोनों एक साथ मैनेज करना चाहें बिल्कुल इजीली आप मैनेज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑर्डर चाहे आप मोबाइल से करें या फिर आप अपना डेस्कटॉप से करें, दोनों का ऑर्डर सेम एक ही एडमिन पे आएगा, और एक ही एडमिन से आप दोनों को मैनेज कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि इसका जो
तीन एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन आपका यूजर का है, एक एप्लीकेशन आपका सेलर्स का है और एक एप्लीकेशन आपका डिलीवरी बॉय का है। जी हाँ, इसमें तीन एप्लीकेशन है। सबसे पहले मैं इसका ऑन कर लेता हूँ। ये आपका ये टॉप बास्केट के नाम से यूजर एप्लीकेशन है। यूजर एप्लीकेशन जब आप ओपन करते हैं तो उसमें आपको सेलेक्ट करना रहता है कि आपका सिटी कौन सा है, आप सिटी के कौन सी सिटी से करना चाहते हैं। विदाउट सिलेक्शन के आपको अंदर जाने का परमिशन नहीं मिलता है। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें तीन लोकेशन अवेलेबल हैं, तो मैं इनमें से कोई भी चूज कर लेता हूँ। ठीक है, आप जो भी चाहे चूज कर सकते हैं, चाहे डेली चूज करो डेली चूज कर सकते हैं। जैसे आप चूज करेंगे तो लोकेशन वाइज जितने भी आपको उस लोकेशन पे स्टोर्स अवेलेबल हैं वो स्टोर्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक, क्योंकि लोकेशन वाइज ये काम करेगा। तो आप यहाँ पे जैसे लोकेशन चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका स्टोर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं जो भी आपको जिस लोकेशन पे भी आपको काम करना हो या से देखना हो वो आप बिल्कुल इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। जी हाँ, इसके बाद के जहाँ तक बात है, जैसे कि अभी मैंने दिल्ली चूज किया है तो दिल्ली में यहाँ पे कुछ दो ही लोकेशन है, दो ही स्टोर्स हैं, जबकि आप अगर दूसरे लोकेशन चूज करते हैं तो उसमें आपको दो से ज्यादा स्टोर्स मिलते हैं। ठीक है, तो खैर ये आपका इंटरफेस है, ये का होम पेज का इंटरफेस है जो देखने में बड़ा खूबसूरत सा है। लुक लाइक आपका बिग बास्केट की तरह से है, इसका लुक लाइक है। ठीक है, ये बड़ा डिफरेंट यूआई के साथ इसमें के टॉप स्टोर्स अवेलेबल हैं। इसके अंदर के ये कुछ बैनर्स वगैरह हैं, ये आपका कैटेगरीज हैं, ये आपका सब कैटेगरीज हैं। जैसे ग्रोसरी आपका मेन कैटेगरी होगी, सब कैटेगरी, इस तरह से क्लीनिंग मेन कैटेगरी, क्लीनिंग के अंदर जो सब कैटेगरी वो अवेलेबल हैं। ठीक है, इस तरह का आप जो है बिल्कुल कैटेगरी वगैरह आप देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद जो आपकी कैटेगरी का जो लुक है वो इस टाइप से दिखेगा। यहाँ पे एक जो लुक बड़ा अट्रैक्टिव लुक है और देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपको दूसरे के जो इसके जो मेन कैटेगरी है, मेन कैटेगरी के अंदर जो सब कैटेगरी में जाने के लिए आपको दूसरे ब्राउजर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, स्पीड बड़ा फास्ट है, आप इसकी स्पीड पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, स्पीड बहुत फास्ट है। अगर यहाँ पे स्पीड की बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे अब मैं एक साइन अप कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि यहाँ पे आप विदाउट साइन अप के आपको आगे की परमिशन नहीं मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे पहले साइन अप कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने साइन अप किया यूज़र डॉट 1 2 3 4 5 6। जी, तो अभी मैंने साइन अप भी कर ली है। अब इसके अलावा अगर आप दूसरे मल्टीपल स्टोर्स, जैसे मैंने बात किया कि अगर आप मल्टीपल स्टोर से ऑर्डर लेना चाह रहे हैं तो आप मल्टीपल स्टोर से भी ऑर्डर ले सकते हैं। यहाँ पे देखें इसके जो कैटेगरी का जो यूआई है वो यूआई दो तरह का है, एक लिस्ट वाइज भी है और साथ साथ आपको यहाँ पे फिल्टर का भी ऑप्शन अवेलेबल है और इसके बाद यहाँ पे ग्रीड का भी ऑप्शन अवेलेबल है। जो चाहें आप बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं, बहुत फास्ट काम करता है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये कैटेगरी का सेक्शन है, जो आप कैटेगरी का चूज करेंगे इसके अंदर आप मेन कैटेगरी है, ये आपका थर्ड कैटेगरी है। तो दो तीन तरह से है, आप जैसा चाहे यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। बड़ा अच्छा खूबसूरत सा डिजाइन है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका कार्ड का पेज है, कार्ड का पेज इस टाइप से आएगा। उसके बाद आप इसमें करेंगे चेकआउट, चेकआउट करते टाइम दो ऑप्शन रहेगा, आप सेल्फ पिकअप करना चाह रहे हैं या कब करना चाहिए वो आएगा। और यहाँ पे जो दिख रहा है ये एक और बाय डिफॉल्ट आपका डेट आएगा कि आपका ये ऑर्डर जो है फ्रॉम डेट को आपका रिसीव होगा। ठीक है, इस तरह से ये होम पे चला गया। ये आप होम पे जाने के बाद यहाँ पे आपके दो ऑप्शन रहेगा कि कैश ऑन डिलीवरी का है या फिर पेपाल का है या फिर ब्राउजर पे का है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया है तो आपको पेपाल का यहाँ पेमेंट गेटवे वगैरह मिलेगा। ठीक है, या इस टाइप का मिलेगा, इस टाइप से आपका ये ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर आपका यहाँ पे आ गया है। अब ये ऑर्डर आप ट्रैक करना चाह रहे हैं, आप इस ऑर्डर को इजीली आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये ऑर्डर ट्रैकिंग का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यह 24 तारीख का ऑर्डर है। ठीक, तो ये आप ऑर्डर जो है कैंसिल करना चाहे कैंसिल कर सकते हैं। ऑर्डर ट्रैकिंग करना हो तो ये आपका माय यूजर के अंदर यहाँ पे सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, ये ऑर्डर ट्रैकिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये ऑर्डर जाएगा आपका वेंडर के पास, ये वेंडर फिर उसको एक्सेप्ट करेगा। वेंडर एक्सेप्ट करने के बाद फिर जाके वहाँ पे
डिलीवरी बॉय उठाएगा प्रोडक्ट्स, तो डिलीवरी बॉय उठाएगा, डिलीवरी बॉय उठाने के बाद वो प्रोडक्ट्स जो है डायरेक्ट कस्टमर तक यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो का था, ये आपका एक यूजर ऐप का, यूजर ऐप का फंक्शन था, यूजर ऐप किस हिसाब से काम करेगा नहीं करेगा ये सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी आपको तो साइड बार भी ऑप्शन मिल जाता है, इस तरह का आप कितना आपने ऑर्डर्स किए हैं नहीं किए हैं वो सारे ऑर्डर्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरह का जो है ये फीचर्स अवेलेबल हैं। कोई चीज़ आप सर्च करना चाह रहे हैं, इसमें इजैक सर्च लगा हुआ है, आप उस इजैक सर्च के अकॉर्डिंग कोई भी इसमें जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो सर्च कर सकते हैं। इजैक सर्च लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली वो सर्च के थ्रू आ जाता है, फिर उस प्रोडक्ट्स पर आप क्लिक करना चाहें तो आप उस प्रोडक्ट पर पहुँच सकते हैं। ये आपका सिंगल प्रोडक्ट्स का लुक है। ठीक है, ये आपका इस तरह से रिलेटेड प्रोडक्ट उसके नीचे आ जाया करेगा, और ये आपका क्या नाम है कि प्रोडक्ट्स का जो सिंगल पेज है, उस सिंगल पेज का ये लुक है। ठीक, आप इसको जूम करके देखना चाहें प्रोडक्ट्स को, आप जूम करके भी देख सकते हैं जितना चाहें, कोई इशू नहीं है। अब चलते हैं हम इसके बाद आपका सेलर डैशबोर्ड पे। तो सेलर डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको सबसे पहले करना पड़ेगा क्या, इसका सेलर लॉगिन। तो सेलर लॉगिन में कर लेता हूँ यहाँ पे, सेलर लॉगिन करके जो मैं देख लेता हूँ कि सेलर लॉगिन किस तरीके से काम करता है और किस हिसाब से ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, जी, तो ये मैं अब सेलर पे मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे सेलर लॉगिन कर चुका हूँ। तो सेलर पे लॉगिन करने के बाद फौरन इस तरीके का ऑप्शन से आएगा, यहाँ पे आपका जो है कि न्यू ऑर्डर कितना है, और यहाँ पे जो क्या नाम है कि ऑन गोइंग ऑर्डर्स हैं वो कितने हैं, पास्ट ऑर्डर्स कितने हैं, ये सब आपको दिखेगा। तो मैं न्यू ऑर्डर्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ कि ये सारे न्यू ऑर्डर्स आए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्या एक्सेप्ट। यहाँ पर देख सकते हैं सेलर को ये परमिशन है कि वो जो है यहाँ पे इसका बिल भी निकाल सके, इस पर क्लिक करके मोबाइल से भी निकालना चाहे निकाल सकता है, और डैशबोर्ड में भी निकालना चाहे निकाल सकता है। अब अगर यही चीज़ अगर इसमें उसके बाद इसको एक्सेप्ट करना चाहे एक्सेप्ट कर सकता है, जैसे मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब ये ड्राइवर का इसमें क्या सेलेक्ट करेंगे, ड्राइवर सेलेक्ट करके अगर कॉल करना चाहे कस्टमर को तो कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह का आपको सेलर का एक डैशबोर्ड भी मिलेगा। सेलर का डैशबोर्ड आप अगर देखना चाहें, वो सेलर का डैशबोर्ड इस तरह से रहेगा आपका। सेलर जो है आप अपने डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग वो चाहे मैनेज करना चाहे अगर अपना डैशबोर्ड से, तो अपना डैशबोर्ड से भी मैनेज कर सकता है। ये इस तरह से आपका डैशबोर्ड मिलेगा सेलर का, चाहे सेलर उसमें करना चाहें कि मोबाइल से करना चाहें तो मोबाइल से कर सकता है, या फिर अगर आप सेलर जो है एक डायरेक्ट वेब पैनल से करना चाहें तो वेब पैनल से भी कर सकता है। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। ठीक है, जो भी चाहे दोनों ऑप्शन कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज अख्तियार किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डिलीवरी बॉय की। तो डिलीवरी बॉय में भी सेम इसी तरह का चीजें हैं, या आपका डिलीवरी बॉय का ऑप्शन अवेलेबल हैं। डिलीवरी बॉय जब आपका इंटरफेस होगा तो इस टाइप से इंटरफेस होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप लॉगिन कर ले, मैं आपको ये सारे डिटेल आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, अगर आप खुद भी देखना चाहें तो आप बिल्कुल इजीली इसमें देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप अपने हिसाब से इसको सब मैनेज करना चाहें, देखना चाहें, बिल्कुल आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हो गया डिलीवरी बॉय एट द रेट जीमेल डॉट कॉम 1 2 3 4 5 6। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिलीवरी बॉय किस तरह से आ रहा है कि ये करंट ऑर्डर है, ये पास्ट ऑर्डर है, कि पास्ट ऑर्डर कितना रिसीव कर चुका है नहीं कर चुका है ये उनके पास आ जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल इस डिलीवरी बॉय को कोई ऑर्डर असाइंड नहीं हुआ है, जैसे असाइंड होगा तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से आप चीज़ों को देख सकते हैं, यहाँ पे देखे कि दो तीन चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका डिलीवरी बॉय का ऑप्शन इस तरीके से रहेगा। ठीक है, आपका यहाँ पे जैसे कि ये है ऑप्शन, ये है, आप इसमें भी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, बिल्कुल ईजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इस टाइप से आपका इनका डिलीवरी बॉय का ऑप्शन रहेगा। ठीक, आप डिलीवरी बॉय का अकाउंट मैनेज करना चाहें, मैंने डिलीवरी बॉय इस तरह से अकाउंट रहेगा, इसमें रिव्यू करना चाह रहे हैं और रिव्यू बिल्कुल ईजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप पिक लगाना चाहें, डिलीवरी बॉय का अपना पिक लगाना चाहें वो पिक लगा सकता है, तो
ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो रही बात ये आपको किस में तीनों एप्लीकेशन की, कि तीनों एप्लीकेशन किस तरीके से काम करेगा, नहीं करेगा, कैसे करेगा, नहीं करेगा, ये सारी चीज़ आपने देख ली। अब एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका एडमिन पैनल किस टाइप से होगा, कैसे काम करेगा, तो चलिए आपके डाउट्स भी क्लियर कर देता हूँ कि इसका एडमिन पैनल किस टाइप से रहेगा वो भी देख लेते हैं। इसका एडमिन पैनल का इंटरफेस बड़ा खूबसूरत सा है और इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिलने वाला है। आप यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इसका जो एडमिन पैनल है, डेमो एडमिन पैनल मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ये डेमो एडमिन पैनल आप एक बार देख सकते हैं। ठीक, तो ये इसमें इसके अंदर जो एडमिन पैनल जो काम करेगा आपका, ये कोऑर्डिनेटर पे काम करेगा, ये आपका एडमिन पैनल है। यहाँ पे आप सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, एक साथ आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको पॉपअप लेना हो या कुछ इस तरह की कोई चीज़ें मैनेज कराना हो तो सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप ऑर्डर देख सकते हैं, आप यूज़र, यहाँ पे स्टोर्स, कितने स्टोर्स अवेलेबल हैं और रिसेंट ऑर्डर्स कितने अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा कितने सिटीज़ में अवेलेबल हैं, वो सिटीज़ आप इसमें डाल सकते हैं, 2, 3, 4, 5 जो भी सिटी आपको ऐड करना हो बिल्कुल इजीली आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जस्ट आप एड्रेस डालेंगे जो भी आप सिटी डालना चाह रहे हैं। अगर आप फुल एड्रेस भी डालना चाह रहे हैं फुल एड्रेस भी डाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। इसके अलावा यहाँ पे स्टोर्स का है, स्टोर्स आप मल्टीपल स्टोर्स ऐड करना चाह रहे हैं तो आप स्टोर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टोर्स ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टोर्स का जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे स्टोर्स का नाम डालना पड़ेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेल आईडी, पासवर्ड, इसके अलावा क्या नाम है, क्या ये क्या मोबाइल नंबर है, स्टोर्स का नाम है, एड्रेस है, टाइमिंग कब से कब तक है, यानी कि आप स्टोर ओपनिंग टाइम कब है और क्लोजिंग टाइम कब है, कमीशन आप कितना रखना चाह रहे हैं उस स्टोर के पार्टिकुलर स्टोर पे अकॉर्डिंग। हाँ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप कमीशन रखना चाह रहे हैं तो आप किसी स्टोर पे 2% भी रख सकते हैं, किसी स्टोर पे 5% भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप जैसा चाहेंगे जिस हिसाब से चाहेंगे वैसा रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, इसका स्टोर का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अगर ऐड करना हो आप वो ऐड कर सकते हैं। इसका यूज़र जो है, अगर आप यूज़र देखना चाहें कि आप यूज़र कितने यूज़र्स अवेलेबल हैं नहीं है, वो आपके सारे एडमिन पैनल में यूज़र यहाँ पे मिलेगा। इनमें से किसी यूज़र को अगर आप डीएक्टिव करना चाह रहे हैं, एक्टिव करना चाह रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। इसका ड्राइवर का जितना ड्राइवर ऐड करना चाह रहे हैं या फिर आपका प्रेजेंट में जितना ड्राइवर ऐड है तो वो भी आप उसमें देख सकते हैं। आप सब ऐड करना चाहे ड्राइवर के लिए, उसके लिए आपको यहाँ लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर और इस तरह से एड्रेस, अगर और सिटी, कौन सी सिटी में इसके ड्राइवर को ऐड कर रहे हैं और इसका ड्राइवर का जो है कि एक आपको लोगो लगेगा। ठीक, तो इस तरीके से आप ड्राइवर को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, चाहे वो स्टोर्स के सारे स्टोर्स के कितने ऑर्डर्स आए नहीं आए, कितने कैंसिल हुआ, कितना एक्टिव हुआ, कितना डिलीवर हुआ, वो सारे ऑर्डर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा कैटेगरीज हैं, कितने कैटेगरीज आपके मेन कैटेगरीज हैं, कितने सब कैटेगरीज हैं, कितने, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारी आपके मेन कैटेगरीज हैं, हम मेन कैटेगरी आप अपने हिसाब से ये आइकॉन वगैरह सब आप चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी ऑप्शन है। जस्ट आप क्रिएट पे क्लिक करें और अपना मेन कैटेगरी ऐड करें, मेन कैटेगरी ऐड करने के बाद यहाँ पे आप अपना कैटेगरी का नाम डालें, पिक डालें, उसके बाद मेन कैटेगरी ऐड करने के बाद आप सब कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रोसरी है, अब ग्रोसरी के अंदर आटा, चावल, दाल, ये सब जो है सब कैटेगरी में आ जाता है, तो आप उस टाइप से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जब आप सब कैटेगरी ऐड करेंगे तो सब कैटेगरी ऐड करने के लिए आपको पहले मेन कैटेगरी चूज करना पड़ेगा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ जाएगा, फिर उसके बाद सब कैटेगरी का नाम डालेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स की बात करें, कितने प्रोडक्ट्स आपके स्टोर्स पे अवेलेबल है, क्या पूरा जो आप स्टोर्स अवेलेबल है वो सारे स्टोर्स में कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल है नहीं है, वो सारे प्रोडक्ट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कोई ऐसा प्रोडक्ट्स जो आपके स्टोर्स के लिए क्या अच्छा नहीं है या आपके स्टोर को वो प्रोडक्ट्स मैच नहीं करता है तो भी आप उसको क्या कर सकते हैं, डीएक्टिव कर सकते हैं, यानी आप उस प्रोडक्ट्स को दिखाना ना चाहें तो नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपका पेमेंट का ऑप्शन है, या आप पेमेंट आप इसमें मल्टीपल पेमेंट लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेमेंट आप मल्टीपल पेमेंट लगा सकते हैं, चाहे इंडिया में है रिजर्व पे है, पेटीएम है, इंस्टामोजो है, पेस्टी वगैरह है, आउट ऑफ इंडिया है, स्ट्राइप वगैरह है, पेपाल है, ये सब आउट ऑफ इंडिया में आप लगा सकते हैं। आप एट ए टाइम 5-6 पेमेंट गेटवे भी एक्टिव कर सकते हैं। इसका मल्टीपल लैंग्वेज की, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप मल्टीपल लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं, यानी चाहे अरेबिक हो, रशियन हो, पर्शियन हो या फिर आपका कोई भी लैंग्वेज जो ऐड करना चाहें
वो आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए बड़ा इजी ऑप्शंस हैं, बस जस्ट क्रिएट अ न्यू लैंग्वेज पे क्लिक करना है और लैंग्वेज पे क्लिक करके यहाँ पे आपको लैंग्वेज का नाम डालना है और ये राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है वो आप यहाँ मेंशन करना है और यहाँ पे उसका आइकॉन लैंग्वेज का आइकॉन डालना है या फ्लैग डालना है, जो भी डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा जो मल्टीपल बैनर्स वगैरह हैं आप जो देख सकते हैं यहाँ पे जो बैनर्स लगे हुए हैं, ये सारे बैनर्स आप अपने अकॉर्डिंग जब चाहें जिस हिसाब से चाहें चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल ईजिली चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से डला हुआ है, आप ये सारे बैनर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कूपन की बात कर लें तो कूपन भी इसके अंदर आप जब चाहें जिस हिसाब से चाहें कूपन क्रिएट कर सकते हैं, चाहे 2% हो, 3% हो, 5% हो, जिस हिसाब से कूपन डिस्काउंट देना चाह रहे हैं तो भी आप कूपन डिस्काउंट दे सकते हैं। कूपन के डिस्काउंट देने के लिए आपको यहाँ पे लगेगा कूपन का कोड, फिर डिस्काउंट कितना आप देना चाह रहे हैं, मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए उस कूपन के लिए, अप टू कितना होना चाहिए, डिस्काउंट टाइप क्या है, क्या परसेंटेज है, फ्लैट है या कब से कब तक है, डेट कब एक्सपायर होगा, और उसके बाद इसमें आप इस कूपन का कोई इमेज लगाना चाहें इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप नोटिफिकेशन का देख लें, नोटिफिकेशन का आप अपने ये जो नोटिफिकेशन है अपने स्टोर्स को भेजना चाहें भेज सकते हैं, अपने यूजर को भेजना चाहें भेज सकते हैं, ठीक है। इसका सपोर्ट्स हैं, आप ऑनलाइन सपोर्ट्स भी चैटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं कि इसके अंदर सपोर्ट के फीचर्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। आप किसी भी स्टोर्स से आप बात करना चाह रहे हैं या कोई स्टोर कुछ गलत कर रहा है, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, तो उनको जस्ट आप स्टोर का सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके उनसे बात कर सकें बात कर सकते हैं, या फिर कोई स्टोर्स आपसे कोई बात करना चाह रहा है लाइव तो भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉन्टैक्ट के इसमें जाएंगे, कॉन्टैक्ट का ये सारे फॉर्म्स अवेलेबल हैं, सारे डिटेल्स अवेलेबल हैं, उसका स्टोर्स स्टेटस कौन से स्टोर्स बंद हैं, कौन से स्टोर्स क्या नाम है ऑन हैं, ये सारे स्टोर्स जो आप आराम से ईजिली आप इसको मैनेज कर सकते हैं, या फिर इसके स्टोर कब से कब तक ओपन रहेगा बंद रहेगा, यानी कि ये आपका जो वेबसाइट है या मोबाइल एप्लीकेशन है कब से कब तक ऑन रहेगा, और ये वो चीज़ आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक बात कर लें, हाँ यहाँ पे जैसे कोई भी स्टोर्स आप इसमें चूज़ करना चाहें तो आप उसमें चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पार्टिकुलर किस स्टोर्स का टाइप डेट एंड टाइम सेट करना चाहें ये देखें, यहाँ पे स्टोर चेक करेंगे उसके साथ साथ कर सकते हैं। इसका डिलीवरी स्टेटस, डिलीवरी के अंदर क्या है यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे डिलीवरी का तो कौन से डिलीवरी बॉय हैं अवेलेबल हैं नहीं है जो भी है ये सब चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। आप कमीशन बेस पर डिलीवरी बॉय रखना चाह रहे हैं वो भी रख सकते हैं, और अगर ये रखना चाहें ये भी रख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह की चीज़ें थी आप यहाँ पे देख लीजिए, इसमें इसके अलावा यहाँ पे लैंग्वेजेस का आ गया, तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया। अब इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ डाउट्स हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, या फिर कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, ईजिली पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये अगर आप इस तरह से बनवाना हो तो बनाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या तो जी हाँ। तो इस तरह का ये सारी चीज़ें थी कि आपने जो देखा ये सब कुछ ये बिग बास्केट की तरह से देखा, अगर आप ये चीज़ें देखना चाहें आप देख सकते हैं, मैं ये सारे वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप इजीली ये सारी चीज़ें बिल्कुल अपने हिसाब से आप देखना चाहें देख सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, खुदा हाफ।